जयेश भाई जोरदार ने धक्का तो जोर से मारना चाहा, लेकिन अफसोस कि दिल पर चोट नहीं लगी, बस हल्का सा टच करके निकल गई। एक तरफ तारीफ की जा रही है कि देखो लोग मंगल तक पहुंच गए, और दूसरी तरफ ताना मारा जा रहा है कि हम आज भी लड़की होगी या लड़का इस चक्कर में फंसे हुए हैं। फेमिनिज्म से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जो जयेश भाई ने ना उठाया हो। चाहे भ्रूण हत्या हो, अबॉर्शन हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो, गर्ल्स एजुकेशन हो, लड़कियों की वर्जिनिटी को लेकर मर्दों में खास तरह का लालच हो, मेल हाइजीन हो, पैट्रियार्टिकल सोसाइटी का डोमिनेंस हो या अंधविश्वास हो, आपको जयेश भाई सब दिखाते हैं। फिल्म सार्केस्टिक है, एक व्यंग है, थोड़ी फनी है, थोड़ी इमोशनल है, थोड़ा एजुकेशन है, थोड़ा अवेयरनेस है। फिल्म का मकसद खास तौर पर उन लड़कों को एजुकेट करना है जो निठल्ले हैं। इतना ही नहीं, फिल्म ये भी बताती है कि आखिर लड़कियों को उन चीजों के लिए गिल्ट फील क्यों करना पड़ता है जिनमें उनकी गलती नहीं होती। फिल्म ये भी सिखाती है कि लड़के भी रोटी पका सकते हैं और बच्चे भी पाल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर फिल्म में ज्ञान का भंडारा लगा हुआ है। अगर आपको भी प्रसाद ग्रहण करना है तो खुशी खुशी कतार में खड़े हो जाएं। आप ये फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हैं। बस फिल्म में किस करना सिखाया गया है जो कि वल्गर नहीं लगता है। वैसे ये बात बिल्कुल सच है कि जेंडर इश्यूज आज भी हमारे देश में पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हो पाया। अगर हो गया होता तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिल्म के सारे सोशल मैसेजेस सही हैं, लेकिन रिपीटेटिव भी लगते हैं क्योंकि इस तरह की थीम पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। फिल्म सिर्फ 2 घंटे की है, जल्दी निपट जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहानी को घसीटा जा रहा है। अब 2 घंटे से कम की फिल्म बना देते तो टेलीफिल्म ही हो जाती। फिल्म में कई ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जैसे ऐसी कौन सी जगह है भाई जहां लड़कियों पर साबुन से नहाने की पाबंदी है। एक सीन में तो साबुन को लिटरली तिजोरी में छुपा कर रखा गया था जैसे साबुन ना हो सोना हो, और एक सीन में साबुन सुंघा कर किसी को बेहोशी से जगाया जा रहा था। वैसे बिना किस किए प्यार कौन करता है भला, और वो भी शादी के बाद सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। करते होंगे शायद बाबा आदम के जमाने में ऐसे लोग हुआ करते होंगे। किसी काली बिल्ली के रास्ता काटने पर पूरा का पूरा गांव रुक जाए, आज भी ऐसा गांव एग्जिस्ट करता है क्या? करता होगा, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वारिस लड़का हो, इसके लिए कौन से माँ बाप अपने ही बेटे के हाथ पांव बांध करके जबरदस्ती उसकी शादी करवाते हैं भाई साहब। सिचुएशंस फनी लग सकते हैं लेकिन रियल नहीं है। आजकल गाँव के लोग बिना ठीक ठाक स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन फिल्म देखकर लगता है कि मेकर्स रूरल इंडिया की बदलती तस्वीर से अपडेटेड नहीं है। अगर फिल्म 80s या 90s के बैकग्राउंड पर बनी होती तो ज्यादा रियल और रिलेटेबल लगती। अब मुद्दे की बात, लगता है कि बॉलीवुड ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। फिल्म में जानबूझकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बुरा दिखाया गया है। मेकर्स को पता होना चाहिए कि भले ही आप सोशल अवेयरनेस पर फिल्म बना रहे हो, लेकिन आपको स्मार्ट होना होगा। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी खास रिलीजन या कम्युनिटी को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। लगता है कि यशराज का कभी किसी गुजराती के साथ पंगा हुआ होगा तभी बदला ले रहे हैं। एक बात तो लिख कर ले लो, शायद ही किसी गुजराती को ये फिल्म पसंद आए, लेकिन हरियाणा वालों को शायद ये भा जाए। कहीं इसलिए तो यशराज फिल्म्स ने जयेश भाई जोरदार का जोर लगाकर प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि आज के समय में जैसी सिचुएशन चल रही है उसमें ऐसी फिल्मों का चल पाना मुश्किल है, तुरंत बॉयकॉट हो जाता है। फिल्म में BGM का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, प्लेन क्लीन सिंपल डायलॉग सुनाई पड़ेंगे। जिनको मस्त लाउड BGM वाली फिल्में पसंद है ना, उनके लिए ये फिल्म नहीं है। चाहे एक्सेंट हो या लुक, रणवीर सिंह बिल्कुल एक ठेठ गुजराती छोरा लग रहे हैं। वो कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी खुद रोने लग जाते हैं। जैसे मेरे मोजे मेरे पैरों में आसानी से घुस जाते हैं, उसी तरह रणवीर हर रोल में स्मूथली घुस जाते हैं। हमें पता है कि बमन नेगेटिव शेड में कमाल कर सकते हैं। अब चाहे मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना हो, 3 इडियट्स में डॉक्टर सहस्त्र बुद्धे हो, या फिर खोसला का घोसला का खुराना हो, उन्होंने लगभग हर बार अपने नेगेटिव किरदारों को यादगार बनाया है। लेकिन यहाँ शायद उनके किरदार का नाम भी किसी को याद नहीं रहेगा। रत्ना पाठक शायद बैरली इन द फिल्म, लेकिन अर्जुन रेड्डी वाली प्रीति यानी शालिनी पांडे की एक्टिंग और उनका इनोसेंट लुक थ्रू आउट द फिल्म देखने लायक है। फन पार्ट ये है कि यशराज इस फिल्म में हर दूसरी जगह अपने पुराने गानों को प्रमोट करते नजर आते हैं, शायद वो हमें नॉस्टैल्जिक फील कराना चाहते हैं। फेमिनिज्म पर और भी फिल्में बनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर थोड़ी और बेहतर फिल्में बननी चाहिए। वैसे जयेश भाई जोरदार भी बुरी नहीं है, लेकिन अफसोस इसका जोर नहीं चलने वाला है। लगता है कि रणवीर की 83 और यशराज की बंटी और बबली 2 के बाद इन दोनों की ये फिल्म भी नहीं चल पाएगी। फिल्म औसत है, लेकिन फिर भी एक औसत फिल्म में जितनी कमाई करती है, मेरे ख्याल से ये फिल्म उतनी कमाई नहीं कर पाएगी। दिस इज नॉट गुड फॉर सिनेमा एंड बिजनेस। तो जयेश भाई जोरदार को मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। हमें इंस्टा पर भी फॉलो करें, आपके कमेंट्स मायने रखते हैं, प्लीज कमेंट करें। और बगल में KGF 2 के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन के बारे में वीडियो दिया गया है, इसे भी देख लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।